दोस्तों, हिंदी फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मी करियर का स्वर्ण काल 1983 से 1993 तक कहा जा सकता है। 10 साल में श्रीदेवी के स्टार दमन ने ऐसी बुलंदियां छू ली कि उन्हें लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा। इसी दौरान वो सबसे अधिक फीस लेने वाली अदाकारा बनी। उनका कद फिल्म के हीरो से कम नहीं था। 10 साल के इस अंतराल में वैसे तो श्रीदेवी ने तमाम एक्टर्स के साथ काम किया, मगर यह उन 6 हीरोज का जिक्र करेंगे जिनके साथ श्रीदेवी की जोड़ी की खनक बॉक्स ऑफिस पर भी देखी गई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जितेंद्र के। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने पहली बार 1983 की फिल्म हिम्मत वाला में काम किया था। हिम्मत वाला फिल्म के रघवेंद्र राव निर्देशक ये फिल्म 1981 में आई तेलुगु फिल्म का रीमेक थी, जिसमें कृष्णा और जयप्रदा ने लीड रोल निभाए थे। जयप्रदा और श्रीदेवी का कोल्ड वार एक अलग विषय है। हिम्मत वाला न सिर्फ 1983 की बल्कि 1980 के दशक के सबसे बड़ी हिट फिल्में में शामिल हुई। इस कामयाबी ने श्रीदेवी और जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी बना दी। दोनों ने इसके बाद लगभग 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर हिट रही। इनमें ममाली, तोहफा और मकसद जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 80 के दशक की शुरुआती में मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के डिस्को डांसर बन गए थे। श्रीदेवी के साथ पर्दे पर वो पहली बार 1984 में जाग उठा इंसान में नजर आए थे। इस फिल्म के निर्देशक विश्वनाथ थे। मिथुन ने एक दलित युवा का किरदार निभाया था, जबकि श्रीदेवी ब्राह्मण नर्तकी के रोल में थी। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूसर किया था, साथ ही एक्टिंग भी की थी। मिथुन और श्रीदेवी ने कुल 4 फिल्मों में काम किया था, जिनमें वतन के रखवाले, वक्त की आवाज़ और गुरु शामिल है। व्यावसायिक दृष्टि से ये फिल्म सफल रही। मिथुन के साथ श्रीदेवी की जोड़ी पर्दे पर भले ही कम आई हो, मगर पर्दे के बाहर दोनों की रिलेशनशिप उस वक्त चर्चा में रही थी। दोस्तों, ऋषि कपूर के साथ श्रीदेवी की पहली स्क्रीन प्रोड्यूसेस 1986 में नगीना के जरिए हुई। हरमेश मल्होत्रा निर्देशित फिल्म में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाया था, जो अपने पति और परिवार के लिए एक बड़े तांत्रिक और सफेरे से भिड़ जाती है। तांत्रिक के रोल में अमरीश पुरी थे। नगीना बेहद सफल रही और आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाबी फिल्मों में जानी जाती है। इस फिल्म में नगीना के किरदार में श्रीदेवी की अदाकारी एक रेफरेंस की तरह है, जिससे ऐसे किरदार निभाने के लिए आज भी फॉलो किया जाता है। ऋषि कपूर के साथ साथ श्रीदेवी की दूसरी फिल्म चांदनी 1989 में आई, हिंदी सिनेमा की एक और कल्ट क्लासिक, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्टर किया था। इस प्रेम त्रिकोण में विनोद खन्ना भी मुख्य भूमिका में थे। चांदनी ने श्रीदेवी की शोहरत को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। दोनों ने 5 फिल्मों में काम किया था। आखिर फिल्म कौन सच्चा कौन झूठा 1997 में आई थी। दोस्तों, अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी ने पहली बार 1986 के फिल्म जावाज में काम किया था। हालांकि इस फिल्म में दोनों रोमांटिकली पेयर्ड अपनी नहीं थे, श्रीदेवी के फिरोज खन्ना के अपोजिट थे। अनिल के साथ श्रीदेवी की जोड़ी पहली बार 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बनी, हिंदी सिनेमा की एक और कलक क्लासिक, जिसने श्रीदेवी के स्टारडम को साबित किया। शेखर कपूर निर्देशित इस साइंस फिक्शन को अनिल के बड़े भाई बोनी कपूर ने प्रोड्यूसर किया था, जो बाद में श्रीदेवी के पति बने। अनिल के साथ श्रीदेवी ने करीब 15 फिल्में की है, जिनमें से कुछ में उनकी जोड़ी दूसरे एक्टर्स के साथ अनिल और श्रीदेवी की आखिरी फिल्म जुदाई है, जो 1997 में रिलीज हुई थी। 1991 में आई लम्हे अनिल और श्रीदेवी की कलट फिल्म में गिनी जाती है, जिसमें यश चोपड़ा ने डायरेक्टर किया था।
और ये अकेली फिल्म है जिसमें अनिल मूछो के बिना दिखे। दोस्तों 80 के दौर में श्रीदेवी ने सनी देओल के साथ 6 फिल्मों में काम किया। पहली बार इनकी जोड़ी 1986 में आई संतनन में बनी, जिसमें मुकुल आनंद ने डायरेक्टर किया। इसी फिल्म में जूही चावला ने बॉलीवुड में करियर शुरुआत किया था। श्रीदेवी सनी देओल के अपोजिट थी। इसके बाद 1989 में चालबाज आई, जिसे पंकज पारस ने डायरेक्टर किया था। सीता और गीता ने इस रीमेक में श्रीदेवी ने डबल रोल निभाया था। एक किरदार सनी देओल अपोजिट था तो दूसरी रजनीकांत ने चालबाज श्रीदेवी के शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। नागिन के सिक्वल निगाहे या नगीना 2 में सनी देओल और श्रीदेवी की जोड़ी बनी। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस वक्त श्रीदेवी सनी देओल की हीरोइन बनकर पर्दे पर आ रही थी, उसी दौर वो उनके पिता धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन पर रोमांस कर रहे थे।